नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। कल हम दिन से ऐसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे स्कूल से आने के बाद। यहाँ पर जो है डोली परी दोनों थोड़ा बहुत खाना वाना खाए, टीवी वगैरह देखे, और यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों ड्राइंग वगैरह कर ले रहे हैं। और यहाँ कुछ नीम का पत्ता ले रखी है, उससे प्रिंट कर रही है। नीम के पत्ते में कलर लगा के वाटर कलर से कर रही थी। और इसी टाइम जो है बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसे कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, और फिर धूप भी आ रही थी साथ ही साथ। ऐसे आजकल का मौसम हो रहा है। और फिर यहाँ पर थोड़ा देर इन दोनों शाम को गेम खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी। इन दोनों को पता नहीं कहाँ से मिल गया था, लूडो का जो गोटी सब है सारा इधर उधर हो गया है, तो लूडो वाला था गोटियाँ उसी से कर रहे थे। और यहाँ इन दोनों अपना खेल रहे थे। और इधर मैं शाम को हस्बैंड जी के आने के बाद जो है थोड़ा सा चाय पराठा कर ले रही हूँ। नमकीन वगैरह जो है ख़त्म हो रखा है, नमकीन बिस्किट वगैरह। हस्बैंड जी ने तो ऐसे खाना खाया था, खाना दे दिया था हस्बैंड जी को। और जैसे हस्बैंड जी घर आए ऐसे ही बारिश तेज़ होने लग गई थी। ऐसे इस बीच में तेज़ बारिश हो रहा था, थोड़ा देर तक बारिश हो रही थी ऐसे। और यहाँ पर जो है चाय तैयार हो गया है, पहले बच्चों को दे देते हैं। पराठा वगैरह तो मैंने बना लिया था थोड़ा बहुत, और एक दो बनाना है, मैं बाद में बनाऊंगी, पहले बच्चों को दे देते हैं। बिस्किट वगैरह कुछ था ऐसे, एक पैकेट के दो पैकेट बचा हुआ था, कल ही सारा ऐसे ख़त्म हो गया, अभी लाना पड़ेगा। और हिमानी के लिए भी ऐसे चाय पराठा ही किया था, सबके लिए ही किया है ऐसे। थोड़ा बहुत एक दो बिस्किट ले लेंगे, थोड़ा बहुत चाय पराठा भी ले लेंगे। तो बच्चों को देने के बाद जो है थोड़ा सा मैं इधर और एक दो पराठा कर ले रही हूँ। परसों जो मैंने चटनी बनाया था थोड़ा सा दो तीन जनों के लिए, वो वाला चटनी जो है हस्बैंड जी को पसंद आ गया था, ऐसे दोबारा से बनाओ बोल रहे थे। लेकिन जो है मिर्च वगैरह ख़त्म हो गया है, आज ले आएंगे फिर दोबारा बनाते हैं। और ये आज मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पर मैं मशीन वगैरह कर ले रही हूँ, अभी पानी आने वाला है। कम से कम 7 बजे करीब से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी ऐसे सुबह का। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं पानी वगैरह भर ले रही हूँ मशीन में। पानी 7:30 तक आता है, 7:15 तक। और ड्रम में तो है ऐसे भरा हुआ था, बस मशीन में भर लूँगी, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दूँगी टैंक में। तो यहाँ पर सर्फ ऐसे नहीं डाला था, ऐसे पैकेट में रखा हुआ था, डब्बा मैंने साफ़ कर दिया था, अच्छे से सूख गया है पानी वगैरह। तो मैं इधर सर्फ भी डब्बे में डाल दे रही हूँ, और अभी कपड़े वगैरह सारा ही डाल देंगे। पानी ऐसे लगभग हो गया है भरना, तो यहाँ पर सारा ही कपड़े मैंने ले रखा है जो भी धोना है। कल शाम को ही मैंने निकाल दिया था, जो जो कपड़े धोना है पहले निकाल देती हूँ ऐसे सुबह, ताकि जल्दी आराम से कर लूँ। तो सारे कपड़े गंदे वाले अलग से रख देते हैं। और यहाँ सर्फ वगैरह मैं डाल दे रही हूँ, फेना सर्फ यूज कर रहे हैं, और एक पैकेट जो है अच्छा खुशबू देता है वो वाला फेना सर्फ ही होता है, छोटा वाला पैकेट, उसके साथ मिक्स कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और फिर बीच बीच में और भी कुछ काम होता रहा है, घी वगैरह चढ़ा दिया था, और झाड़ू पोछा वगैरह भी इसी टाइम हो गया था, मशीन जब मैं लगा रखी थी उसी टाइम। और कपड़े वगैरह भी सारा ही निकाल दिया है, सुखा दिया था ऐसे। और इधर मैं नहा धो के आ गई थी, और थोड़ा सा जो है जो कुरचन बच गया था घी से, उसी से मैं लड्डू तो नहीं बनेगा, थोड़ा घी चाहिए लड्डू बनाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं ना हलवा उगाते रही हूँ। और हलवा सब थोड़ा बहुत हम सब ने खा लिया था। और आज जो है गट्टे बना रहे हैं, राजस्थान का फेमस रेसिपी है ये, बेसन से बनता है। तो यहाँ पर हलवा भी हो गया था, चढ़ा दिया था कम आंच में, और साथ ही साथ इधर मैं बेसन भी कर रखी हूँ, निकाल रखी हूँ, इसमें स्वादानुसार नमक वगैरह डाल दिया है। डोली परी दोनों को भी दे दिया है हलवा अपना खाने के लिए। और इधर मैंने पतीला में पानी भी कर दिया है, चढ़ा दिया है ताकि थोड़ा बहुत गर्म हो। और यहाँ मैं बॉयल करूँगी कम से कम 10-15 मिनट। यहाँ बेसन को अच्छे से मिला ले रही हूँ, ज़्यादा गीला भी नहीं करेंगे। और इधर जो है डोली कुछ बर्तन सुबह के साफ कर दिए थे, वो सब यहीं रखा हुआ था, तो वो सब जो है डोली स्टैंड में रख दे रही थी। और यहाँ मैं बेसन कर ले रही हूँ,
थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसमें स्वादानुसार नमक मसाला वगैरह डाल दिया है, थोड़ा सा रिफाइंड तेल भी डाल दिया है ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट बने और अच्छा बने। बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं ऐसे डोली पर, ये दोनों भी कब से बोल रहे थे गट्टे बनाओ, गट्टे ऐसे इन दोनों को पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाथों में तेल लगा ले रही हूँ ताकि हाथों में ना चिपके करके, और ये रहा कुछ इस तरीके का मैं रोल करके लंबे लंबे कर ले रही हूँ। बचपन में इन दोनों ऐसे ही खाते थे और गरम गरम पकड़ने के लिए करते थे, तो डराने के लिए सांप है मत पकड़ो ऐसे कुछ बोलते थे डोली पर ही दोनों को। तो यहाँ पर देखना है कैसे बनाओगे करके यहीं खड़े हुए थे डोली पर ही दोनों, अब से ऐसे बोल रहे थे मम्मी गट्टे बनाओ गट्टे, मन हो रहा है खाने का। ऐसे खाते हैं बॉयल करके, पहले थे जब इन दोनों छोटे थे ना तो बॉयल किया हुआ ठंडा करके इन दोनों ऐसे ही खाते थे साबुत, थोड़ा बहुत खाते थे ज़्यादा नहीं, पेट उट दर्द होता है करके इतना नहीं खिलाते थे। तो यहाँ पर मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था, उसके बाद जो है गट्टे जो भी बनाए थे वो सारे कुछ डाल दिया है, और इसको कम से कम 10-15 मिनट तक तेज आँच में बॉयल करेंगे ताकि अंदर एकदम टाइट हो जाए, टाइट किया मतलब अंदर तक पक जाए, कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है पानी, अभी बॉयल नहीं हुआ है गर्म ही हुआ है, बस अच्छे से बॉयल होने देंगे। ये रहा यहाँ पर जो है बॉयल हो रहा है, 10-15 मिनट लगभग हो गया है और मैं करके देख रही थी, ये रहा लगभग ये तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए निकाल देंगे प्लेट में या छन्नी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और पानी हम यही वाला बॉयल किया हुआ वाला ही यूज करेंगे। और इधर जो है मैंने मसाला तैयार कर लिया है, टमाटर प्याज लहसुन अदरक वगैरह सारा ही स्वादानुसार नमक मसाला वगैरह ऐड कर दिया है। और यहाँ पर ये गट्टे को भी मैंने थोड़ा पतले पतले ही काटा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, कोई कोई तो लंबे ही रखते हैं, मैंने पतले पतले गोल गोल ही काट लिया है। और यहाँ पर तरी जितना चाहिए उस हिसाब से मैं डाल दे रही हूँ पानी, बेसन ऐसे ठंडा होते होते जो है गाढ़ा हो जाता है, तो अभी तो ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा मैंने अभी पानी ऐड कर दिया है। एक दो बार बॉयल आने देंगे फिर ऐसे हम बंद कर देंगे। ऐसे रेडी हो गया है ये बेसन के गट्टे, और इधर जो है तैयार गट्टे तैयार होने के बाद ही थोड़ा सा मैं गुलाब जामुन बना ले रही हूँ। पूरा रेसिपी जो है मैंने शेयर नहीं किया है, सभी को ऐसे बनाना आता है। तो यहाँ पर एक कटोरी सूजी लिया था, उसी कटोरी से दो कटोरी दूध लिया था, और ये रहा कुछ इस तरीके का डो तैयार कर लिया था और छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं, और इसको कम आँच में फ्राई कर लिया है। और चाशनी भी ऐसे ज़्यादा चिपचिपी वाला नहीं किया है, बस हल्का सा चिपचिपा हो जाए ऐसे ही तैयार किया है। ऐसे इलायची वगैरह डाल दिया है, आप ऐसे थोड़ा सा चाशनी में फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और तैयार होते साथ जो है खाना निकाल रही हूँ मैं हस्बैंड जी के लिए, थोड़ा सा अचार रखा है, गट्टे की सब्जी और चावल। ये रहा जैसे ठंडा हो रहा है ऐसे और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। तो आज हमने रोटी वगैरह नहीं बनाया ऐसे, बस सुबह थोड़ा सा हलवा किया था और दिन में यही चावल कर ले रहे हैं। ये रहा कुछ इस तरीके का बना है गुलाब जामुन, हस्बैंड जी को दे देते हैं। सुबह ऐसे हलवा ही थोड़ा सा खाया था मैंने, अभी खाना नहीं खाया है। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।